सर ज़मीने हिंदुस्तान, अस्सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, समय समय पर मैं आपको जड़ी बूटियों से भी तारुफ कराता हूं और आपको कुछ नुस्खे भी बताता हूं। तो दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में, इसी लाइन में आपको चलते हुए आज मैं बेहतर आपको जड़ी बूटी से मिलाना चाहता हूं और उसका दीदार कराना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ फसल पक करके कट चुकी है और हमारे यहाँ ये खेतों के हाल ये हैं कि चारों तरफ गेहूँ ही गेहूँ पक, और ये हमारे आशु भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर मैं अब आपको बेहतरीन दवा बताने वाला हूँ जो कि भारत के हर क्षेत्र में पाई जाने वाली दवा है और आपके खेत खलिहान में भी ये मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं उसका नाम पहले बता दूं और फिर उसके बाद काम बता दूं। बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति, हर आदमी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, तो दोस्तों ये कई मर्जों में काम आने वाली दवा है और मेरा मानना है कि ये बहुत ही बेहतर दवा है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख लीजिएगा कि सफ़ेद सफ़ेद फूल वाली ये दवा, और इस दवा को ये बहुत ही बेहतर बूटी कहा गया है। और मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको एक बेहतरीन जादुई इसका इलाज बताता हूं। दोस्तों, आपके पास अगर बहुत पुरानी पुरानी किताबें हैं, किताबें रखी रहती हैं और आपके या कि जो इस्तेमाल में किताबें नहीं आती हैं और काफ़ी दिनों से रखी है, तो आपने देखा होगा कि उन किताबों में कीड़े पड़ जाते हैं। दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ करना नहीं है, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी किताबें सालहा साल यानी कि सैकड़ों साल एकदम बढ़िया रहेंगी, कोई भी कीड़ा, कोई भी मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं उसमें डस पाएगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक एक करके आपको वीडियो पूरा देखना है मेरे भाइयों। अब आपको बताता हूँ एक एक करके कि आपको करना क्या है। दोस्तों, तो ये ऑप्शन तीन ये देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी किताबों को हमेशा हमेशा के लिए साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, कीड़ों से बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन तीन के पत्तों को इस तरीके से आपको तोड़ करके आप अपने कापी, डायरी, किताब के पन्नों पर, उन पन्नों पर रख दीजिएगा जिन पन्नों का आप बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही दिनों दिनों तक खोलते नहीं, और जब खोलते हैं तो आप देखते क्या है कि कीड़ों ने उन पन्नों को चुन लिया है। मेरा दावा है मेरे भाइयों कि आपके अगर ये ऑप्शन तीन रखी हुई है तो कभी भी आपकी किताबें नहीं चुनेंगी, ना ही उसमें कीड़े पड़ेंगे। दोस्तों, तो चलिए, ये आपको एक मैंने जानकारी दे दी। अब दूसरी जानकारी मैं देता हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ इसको ऑप्शन तीन कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको बड़ा ख़तरनाक चारा कह करके अपने खेतों से फेंक देते हैं निकाल करके। खैर, कोई बात नहीं, वो अपना उनका प्राइवेट मसला है, चूंकि खेतों में जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी फसलों को भी नुकसान पहुँचाती है मेरे भाइयों। तो देखिएगा इसके अन्य काम क्या है। अगर किसी के कान में जख्म है, दोस्तों, अगर किसी के कान में जख्म है, मवाद आता है, पीप आती है, तो दोस्तों आपको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये पहचान लीजिएगा मेरे भाइयों। ये देख लीजिएगा, आप इसको तीन को आप इसका रस निकाल करके कान में एक दो बूंद डेली सुबह शाम डालेंगे, सोते वक्त डालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके कान का दर्द यानी कि कान का जख्म पूरी तरीके से धीरे धीरे करके ठीक हो चुका होगा। मैं आपको हर एंगल में पौधा दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये छोटा पौधा है और ये देख लीजिएगा, ये बड़े बड़े पौधे हैं मेरे भाइयों। इसकी औसतन लंबाई लगभग 2 से 3 फुट होती है। दोस्तों, ये पहचान लीजिएगा। और अगर इसका टेस्ट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। मेरा मानना है कि नीम से भी ज़्यादा कड़वा होता है। और दोस्तों, अगर आपके जिगर में सूजन है, जी हाँ मेरे भाइयों, अब काम की बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके जिगर में सूजन है या कि आपकी आंतों में कीड़े हैं, वर्म हैं, इस तरीके से कीड़े वर्म हैं जिस तरीके से केंचुए वाले कीड़े हैं, एलोपैथी दवा खा करके, एल्बिंडाजॉल, मेबिंडाजॉल खा करके, जेंटल टेबलेट खा करके परेशान हो गए, लेकिन आपके पेट के कीड़े भागने का नाम नहीं ले रहे हैं, दोस्तों, तो बस आपको क्या करना है कि इस पत्ती को लेकर के इसका चूर्ण बना लीजिएगा। और चूर्ण बनाने के बाद आपको बेहतर आधा चम्मच लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके रात को सोते टाइम आपको इस्तेमाल करना है। जी हाँ मेरे भाइयों, इसकी पत्ती को आपको सोते वक्त इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपके पेट के कीड़े, जी हाँ दोस्तों, पेट के कीड़े दूसरे ही दिन से पटापट लेटरिंग के रास्ते से निकलने लगेंगे। अब तीसरी बात और मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके जोफे जिगर यानी कि आपकी जिगर में बराबर सूजन रहती है, दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये मैं पानी में जिंदगी का आनंद तो देहात में ही है। दोस्तों, ये देख लीजिएगा, आप
भी मैं तो कहता हूँ मुझे तो जितना मज़ा अपने देहात गांव में आता है वो कहीं नहीं मज़ा आता। ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, है ना। ये शायद कोई इस तरीके से कोई यूट्यूबर वीडियो बनाता होगा, हर व्यक्ति एडिटिंग और म्यूज़िक के साथ बनाता है, लेकिन मेरा मानना है कि नो एडिटिंग नो चीटिंग, डायरेक्ट आपके औषधियों से मीटिंग। तो दोस्तों अब मैं आपको ज़ोफ़ी जिगर के बारे में बताता हूँ। अगर आपके जिगर में सूजन है, सूजन इतनी है कि आप एलोपैथी दवा खा रहे हैं लेकिन सूजन नहीं ख़त्म हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, वही करना है जो आपको वर्म में करना था। तो आपको क्या करना है मेरे भाइयों, क्या आपको इसकी पत्तियों को खुश्क करने और खुश्क करने के बाद मेरे भाइयों इसका चूर्ण बना ले, और आपको एक बड़ी यानी कि आपको एक चम्मच की चार खुराक बनानी है, जिसको एक सुबह एक शाम खानी है, वो भी शहद के साथ। तो आपका धीरे धीरे जिगर में सूजन और आपकी आंतों की सूजन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतर काम है, अगर आप इन चीज़ों से जूझ रहे हैं या कि आपके घर वाले कोई इन चीज़ों से जूझ रहे हैं तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप यहाँ पर क्या नहाना पसंद करेंगे, यहाँ पर क्या आना पसंद करेंगे, तो आइए दोस्तों और हमारे ट्यूबवेल में नहाइएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।